यदि हिंदू राज हकीकत बन गया तो निसंदेह ये इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू क्या कहते हैं, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए खतरा है। इस लिहाज से ये लोकतंत्र के साथ असंगत है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये शब्द बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के हैं। बाबा साहेब ने देशवासियों को हिंदू राज के खतरों से आगाह किया और चेतावनी दी कि किसी भी कीमत पर हिंदू राज को रोका जाना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदू राज हकीकत बन गया तो ये देश के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होगी। आप चाहें तो इसे डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहेब राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 8 के पेज नंबर 358 पर चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? मैं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की बात आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि इस समय देश में ऐसी ताकतें सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही हैं जिनका एजेंडा हिंदू राष्ट्र बनाने का है। इस समय देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के बीच ही संविधान को खत्म करने और संविधान को बदलने के लिए 400 पार के नारे दिए जा रहे हैं। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो शर्त यह। आज देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जो लोग चुनाव जीतने से पहले ही बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान को खत्म करने की बात करते हों, इस देश को लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करते हों, मनुस्मृति लागू करने की बात करते हों, अगर उन्हें फिर से एक मौका मिल गया तो क्या वो अपने एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाएंगे? क्या हमारे देश की फिजाओं में जहर नहीं घोला गया? क्या हिंदू मुसलमान के नाम पर देशवासियों को आपस में नहीं लड़ाया जा रहा? क्या SC ST OBC को गुमराह नहीं किया जा रहा? लेकिन फिर भी बहुजन समाज के ही कुछ लोग BJP और RSS की मदद कर रहे हैं ताकि बहुजनों के कंधों पर खड़ा होकर हिंदू राष्ट्र को कायम किया जा सके। जिस RSS को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने संसद में खड़ा होकर बेहद खतरनाक संगठन कहा, उसी RSS के लिए कुछ बुद्धिजीवी और वकील चुनावी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। बहुजन आंदोलन में ऐसे लोग आए और उस आंदोलन को ही बेच दिया, उस भरोसे को ही बेच दिया जो बहुजन समाज उन लोगों पर कर रहा था, तो फिर बहुजन समाज सफल कैसे होगा? बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। हमें ऐसे धोखेबाज लोगों को पहचानना चाहिए और उनके एजेंडे में नहीं फंसना चाहिए। कुछ लोग मुसलमानों को दलित, आदिवासी और पिछड़ों से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुजन समाज और मुस्लिम समाज में एकता ना बन जाए और ये सब मिलकर इन्हें सत्ता से निकाल कर ना फेंक दे, इसी डर से लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों के दिलो दिमाग में जहर भरा जा रहा है। एक दूसरे से लड़ाकर दिलों में बंटवारा करके ही ये लोग जीत सकते हैं, इसलिए हमें इनकी साजिशों से सावधान रहना चाहिए। वक्त है कि हम देश के संविधान को सुरक्षित करें, वक्त है कि हम देश के लोकतंत्र को बचाएं, वक्त है कि देश के सामाजिक ताने बाने को टूटने से बचाएं। अगर देश बचेगा, बाबा साहेब का संविधान बचेगा, तो बाकी सारी लड़ाइयाँ भी लड़ ली जाएंगी। लेकिन जब कुछ बचेगा ही नहीं तो लड़ाई किस चीज़ के लिए होगी और कैसे होगी? इस चुनाव में अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और सही सरकार को चुनें। द न्यूज़ वीक के सभी दर्शकों से हमारी अपील है, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे अपील है कि इस वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।